आज के मैच में तो मतलब फुल एंटरटेनमेंट ही हुआ है। ये स्टैट्स की बात करें तो आज रोहित शर्मा ने भी हाफ सेंचुरी लगाया है, 50 गेंद पे 51 रन। पे 51 रन, अच्छा ही है, नॉट बैड। शगुन दे गए यार, 51 का शगुन टीम इंडिया को दे गए, अच्छा गए है, उससे अच्छा क्या लेंगे। 7 चौके और 2 छक्के हैं, मतलब ये भी देखिए कि लोग भले ही निराश चल रहे हो या जो भी चल रहे हो, लेकिन मैं रोहित शर्मा से काफी खुश हूँ क्योंकि वो फॉर्म में आ चुके हैं, ये दिख रहा है क्लियरली। और सेंचुरी की बात करते हैं तो मुझे पता है कि इनका सेंचुरी भी बहुत जल्दी आने वाला है, आपको क्या लगता है? या 3 साल हो गए हैं मैं इंतजार कर रहा हूं। अब अगर इस इनिंग की बात करें तो टारगेट बड़ा था नहीं, 109 रन चेस करने थे। रोहित शर्मा और शुभमन गिल आते हैं ओपनिंग के लिए, लेकिन ऐसी पारी खेलते हैं रोहित शर्मा और के एक बार भी ऐसा लगा नहीं। 51 रन 50 गेंद पे 7 चौके 2 छक्के, लेकिन एंड मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे आउट हो जाते हैं 50 बनाते के साथ ही। शुभमन गिल अंशिका के फेवरेट एंड तक टिके रहते हैं, 40 रन पे नाबाद रहते हैं, 53 गेंद पे 6 चौके लगाते हैं। विराट कोहली आज फिर कुछ नहीं कर पाए और 11 रन बनाकर सेंटनर के शिकार बन गए। ईशान किशन चौथे नंबर पे आते हैं और 2 चौके लगाकर टीम इंडिया को एक आसान सी जीत दिला के चले जाते हैं। लेकिन 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 एक बात तो और है ना कि हमें पता है कि जब न्यूजीलैंड का जो स्कोर खड़ा हुआ था उस टाइम ही हम जान गए थे कि आज तो टीम इंडिया जीत ही रही है, क्यों अंशिका? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आज की इस जीत से हम ये साफ कह सकते हैं कि हमारे प्लेयर्स वापस से फॉर्म में आ चुके हैं और इतना उम्दा गेम उन्होंने खेला है आज का कि उसकी कोई उसकी दांत देनी चाहिए। बॉलिंग पहले ही हमने देखी थी कितनी उम्दा की थी, आज हमने सुबह अपने लाइव में भी बात की थी इसकी कि कितनी ज्यादा अच्छी बॉलिंग हमारी इंडियन टीम ने की है और उसी के साथ बैटिंग भी इतनी धमाल के साथ की है कि हाँ ये कहना इस बात में कोई हर्ज नहीं है कि इंडियन प्लेयर्स अपनी फॉर्म में वापस से आ चुके हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल एज यूजुअल उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस बताया, हालांकि ये भी था कि आज सुबह जब हम लाइव थे उस टाइम पे रोहित पे काफी ज्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे थे, लेकिन अब फाइनली रोहित ने नहीं सवाल उठाए थे रोहित ने खुद को प्रूव कर दिया है। एंड हाँ, मैंने भी कुछ क्वेश्चन उनको लेकर उठाए थे, बट यस उन्होंने बता दिया है कि हाँ वो कैपेबल हैं और वो कर सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। आज का जो मैच रहा है, इतना शानदार मैच रहा है, उसका क्रेडिट तो हम बॉलर्स को ही देंगे क्योंकि आज बॉलर्स का ही जलवा दिखाया। और सबसे अच्छा अगर किसी के प्रदर्शन की बात करूं तो मुझे वॉशिंगटन सुंदर का लगा है क्योंकि उन्होंने विकेट चटकाई है, सबसे कम रन भी उन्होंने ही दिया है, इसलिए मुझे बॉलिंग सबसे ज्यादा अगर पसंद आई है किसी की तो सुंदर की ही आई है। बिल्कुल, एंड में आते आते उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला था और इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से, तारीफ तो तेज गेंदबाजों की होनी चाहिए ना, चाहे सिराज हो, चाहे शमी हो, हार्दिक पांड्या हो, चाहे शार्दुल ठाकुर हो, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को एक शायद 2 विकेट मिले 1 विकेट मिला है कुलदीप यादव, लेकिन वो निचले क्रम के बल्लेबाजों का मिला है। हार्दिक पांड्या के अगर देखें तो 2 विकेट उनको भी मिला है, 3 विकेट मिले हैं मोहम्मद शमी को, और मोहम्मद शमी लगातार आलोचकों के निशाने पे रहते हैं, 1-2 मैच खराब चले जाए तो आलोचकों के निशाने पे आ जाते हैं कि यार नहीं भाई ये बाहर करो, संन्यास दिलवाओ, वही आज दिखा दिया है। सेक्शन में बताते रहिए कि आपको क्या लगता था और क्या हुआ और आपको इंडिया की इस टीम की परफॉर्मेंस कैसी लगी, कमेंट करते रहिए। देखिए दम तो है ही, समी में दम है इसलिए क्योंकि वो इंडियन टीम में तो किसी रीजन से ही है और कभी कोई खिलाड़ी अगर फॉर्म में नहीं है तो वो कोई ना कोई, जरूरी नहीं है कि अगर वो फॉर्म में नहीं है तो वो बुरा खिलाड़ी है, और कभी ना कभी वो सामने आ ही जाता है, उसका उसकी जो काबिलियत है, उसकी जो कैपेबिलिटीज है वो हमें देखने को मिली जाती है, जो हमें आज देखने को मिली है। बिल्कुल, और काबिलियत है तभी तो बिल्कुल अभी लाइव में है काबिलियत की बात की, लेकिन मोहम्मद शमी का चल रहा है 6 ओवर 18 रन 3 विकेट 3 की इकोनॉमी, 1 मेडन भी उसमें शामिल है, लेकिन आज एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था तेज गेंदबाजों ने, 15 रन पर 5 विकेट गिर गए थे न्यूजीलैंड के, वहां से दिख गया था कि भैया यहाँ से एक तरफा मैच होने वाला है, ज्यादा रोमांचक मैच की उम्मीद कीजिए मत, भारत आएगा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेगा और मैच जिता ले जाएगा, लेकिन हार्दिक पांड्या बिल्कुल सही कहा। और उसके अलावा मैं देख पा रही हूँ कि जो यहाँ पे हमने पोल चलाया था उसका क्वेश्चन था क्या फॉर्म में लौट आए रोहित शर्मा, और इसमें 88% लोगों का आंसर है हाँ,
बिल्कुल आपको क्या लगता है कि फॉर्म में लौट आए रोहित शर्मा? देखिए फॉर्म में वो पहले भी थे, अर्धशतक वो अभी भी लगा रहे हैं, लेकिन वही बात है कि अर्धशतक लगाने के बाद वो आउट हो जाते हैं, ये एक कंसर्न है। जो शतक उम्मीद कर रहे हैं ना रोहित शर्मा, हम रोहित शर्मा को क्यों जानते हैं, जो बड़े बड़े शतक लगाता है, वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक इस खिलाड़ी के नाम है। जी शतक को, या मैं कहें ना अर्धशतक को, शतक में तब्दील नहीं कर पाते। चलिए आज तो मौका था भी नहीं, आज तो वैसे जी भी इतने रन थे नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि फॉर्म में तो वो रन बना रहे हैं। देखिए छोटी मोटी छोटी छोटी पारियां तो वो खेल रहे हैं, 30, 40, 50, 70, लेकिन बिल्कुल शतक वो जो है वो अब तक आया नहीं है। और मैं चाहूंगा कि 30 वनडे में एक शतक उनके आ जाए, क्योंकि बिल्कुल 3 साल बिल्कुल, हो गए क्योंकि हैं। एक बात तो मैं श्योर हूँ कि रोहित शर्मा का जो शतक है, जिसके लिए सब बहुत ज्यादा विश कर रहे हैं, बेताब है, वो बहुत ही बिल्कुल जल्द आने वाला है। मुझे पूरा इंट्यूशन हो रहा है कि वो बहुत जल्द आने वाला है। दूसरी ये बात है ना कि अगर ऐसी परफॉर्मेंस चलती रही टीम इंडिया की, तो मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड कप इस बार हम लोग जीत सकते हैं। बिल्कुल, पूरे पूरे चांसेस नजर आ रहे हैं, और जिस हिसाब से रोहित शर्मा ने आज के इस गेम में खेला है, हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जो हमारा ये थर्ड गेम होगा उसमें पूरे पूरे चांसेस है कि सीरीज तो वो, हम जीत ही गए। हाँ वो तो बात है, लेकिन फिर भी पूरे पूरे चांसेस है कि वो बिल्कुल बना लेंगे, 100 कर